अल्लाह के फजल से पैगाम इत्तेहाद के ऑफिस में आए हम दफ्तर में, हम उनके जिम्मेदार से मिले हैं और अल्लाह के फजल से अच्छा हमको लगा है कि तुम्हारे साथी जो जो तोहफा चलाते हैं और जो जिस तरह से उनके हमने सुने हैं और जो मदद करते हैं और जिस तरह से कुछ वाकयात हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने जो लेडीज़ को जो मदद की है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो दोस्त आए हम और उनसे बेलगांव में मिले हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और जिस तरह से इलेक्शन कंपेन उन्होंने चला रहे हैं अल्लाह के फजल से, हम ये चाहते हैं कि भाई कि अवाम जितने भी हमारे मुस्लिम भाई सब होकर जो सेकुलर ताकतें हैं बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से, उनको मजबूत किया जाए, क्योंकि हम भी जो है महाराष्ट्र से जो नांदेड़ है वहाँ से 600 किलोमीटर से दूर आकर कर्नाटक में खास करके हम बेलगांव खानापुर प्रचार करने के लिए आए और हम हमारे साथी से मिले हैं। एक अच्छी बात है कि जो कांग्रेस को मजबूत कर कांग्रेस को भारी अक्सर अपने चुन के दिए इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसा एक वातावरण बने वाला है कि जिस तरह से अल्लाह के फजल से कांग्रेस जो कर्नाटक में एक मजबूत परिस्थिति में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वन सेट चुन के आने की अल्लाह मियां ने एक माहौल बनाया और उस माहौल को हम लोगों ने कायम रखना चाहिए और आने वाले 10 तारीख को भारी अक्सरियत में कांग्रेस के हर कैंडिडेट को भारी लीड से चुन के दिए। मैं अवाम से खास करके अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की जो हालत है और हिंदुस्तान की जो हालत भाजपा ने जो की है, जो 70 साल ने जो कांग्रेस में काम किया है और जो 8 साल में जो हमारे लोगों में जो मुसलमानों पर अन्याय कर रहे हैं और ख़ास करके मुसलमान को टारगेट कर मुसलमानों की जो हमारे हुकूक पे जो हमला कर रहे हैं, अवाम जानना चाहिए और अवाम से खास करके हम अपील करते हैं कि 600 किलोमीटर से आके हम बेलगांव और खानापुर जितने भी कांग्रेसी जो सीटें उम्मीदवार हैं उनको भारी अक्सरियत से आने वाली 10 तारीख को भारी लीड से कांग्रेस को एक बार फिर कर्नाटक में जो मजबूत परिस्थिति में वन सेट चुनके लेंगे और हिंदुस्तान की मिसाल कायम करें और यहाँ से जो भाजपा का अविनाश शुरू होगा ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार खानापुर और बेलगांव के सभी लोगों से गुजारिश कर खास कर हमारे दोस्त ने हमको बोलने का मौका दिए, पैगाम इत्तेहाद हमारे को बुलाए और हमारे यहाँ बताए और हमारी इज्जत अफजाई की, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार हमारे बेलगांव की और खानापुर की आवाम से अपील करता हूँ, 10 तारीख को एक एक वोट आपका कीमती वोट कांग्रेस के हक में किए ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार आपसे अपील करके खुदा हाफिज़।